इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन ये चीज क्या दिया गया है, एक्स ग्रेटर देन वन का मतलब क्या होता है, ये फंक्शन को का क्लैरिटी मतलब उसकी डोमेन दिया गया है कि वो किस एक्स के लिए रियल वैल्यूड है। देखिए जैसे मान लीजिए आप कभी अगर ग्राफ देखे होंगे तो ग्राफ लॉग एक्स का, लॉग एक्स का मतलब समझते हैं, लॉग एक्स का मतलब होता है लॉग विथ बेस ई। ये मिस कंसेप्शन है, जब ये यूपी बोर्ड की या जो आपके सीबीएसई बोर्ड की या एसएससी बोर्ड की ये जो बोर्ड लेवल पे बात करते हैं हम लोग, ये लोग लॉग जो बुकों में प्रिंट होता है ये लॉग प्रिंट होता है, ठीक है, और इनके लॉग का मतलब होता है लॉग विथ बेस ई, ठीक है। इसका मतलब लॉग एक्स लिखा हुआ है, इसका इसका मतलब हुआ कि लॉग विथ बेस ई एक्स है, जबकि ये गलत नोटेशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड नोटेशन होता है लॉग एक्स का मतलब होता है लॉग ऑफ विथ बेस 10x, दैट वॉज द, ठीक है, दैट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। और ये आपके जितनी बोर्ड के बुकें हैं, ठीक है, उसमें ये आपका इसका मतलब ये होता है, जबकि एक्चुअल जो मतलब होता है जैसे फॉरेन राइटर बुक्स अगर उठाते हैं आप तो इसका मतलब ये होता है, या आईआईटी के एग्जाम देते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देते हैं तो वहां लॉग का मतलब होता है लॉग विथ बेस 10, यही स्टैंडर्ड नोटेशन है, जबकि लॉग विथ बेस ई एक्स इसे हम लोग लिखते हैं lnx, या यूं कहें lnx को हम लॉग विथ बेस ई एक्स होता है। ये लोग क्या करते हैं, बोर्ड वाले क्या करते हैं, इसको ये समझते हैं, ठीक है। खैर ये चीजें पार्ट, अब देखिए ये जो वैल्यू है आपका वन है, तो वन अगर लॉग की वैल्यू देखी जाए तो वन के बाद अगर कोई वैल्यू देखते हो तब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और जब ये पॉजिटिव देगा तब ये लॉग डिफाइंड होगा। तो ये तो डेफिनेशन का मतलब हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं है। खैर हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में सोचते हैं, ये तो फंक्शन की क्लैरिटी थी कि ऐसा क्यों दिया गया है। तो डिफरेंशिएट करना है, अब डिफरेंशिएशन में देखिए ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस है, एक्स की कोई वैल्यू प्लेस करोगे आप तो पहले ये वाला लॉग ऑपरेट होगा, ठीक है, मतलब एक्स लॉग का फंक्शन है, सॉरी लॉग एक्स का फंक्शन है, और देन जो वैल्यू आएगी वो ये वाला लॉग उसको ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। हम लोग करते क्या है, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए लेट कर लेते हैं, से लेट वाई इक्वल्स टू दिस वन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो और अंदर जो है आप जो भी फंक्शन है सिर्फ एट ए टाइम आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, एक फंक्शन को डिफरेंट और सिंगल वैल्यू होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि लॉग ये यू का फंक्शन है, ठीक है, तो हमने लिख दिया वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ यू। ये लॉग कौन सा है, ये लॉग ये आउटर वाला है, ठीक है। अब u क्या हो गया, वेयर u इज जो ये पूरा अंदर वाला लॉग x है, तो दैट इज लॉग ऑफ x, ठीक। तो ये y जो है सिंगल वैल्यू फंक्शन है, सिंगल वैल्यू फंक्शन है, एक वैल्यू y u की चाहिए सिर्फ, तो इसको आप u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी यू ऑफ y दैट इज इक्वल टू d बाई डी यू ऑफ log u, और log u मतलब ln u है ना, ये लिख दे रहे हैं हम ln u, और ln u का डिफरेंशिएशन होता है 1 by u। u तो डमी वेरिएबल है, u को आप रिप्लेस करिए तो u हमारा क्या है log x है, तो 1 by क्या हो गया आपका log x हो गया, से दैट इज रिजल्ट नंबर 1 dy by du, ठीक है। इसी तरह से u x का फंक्शन है तो d by dx ऑफ u, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो d by dx ऑफ log ऑफ x, और log x का भी हमने देखा जो भी 1 by x हो जाएगा, ठीक है, तो that is your du by dx, your result number 2। अब since dy by dx क्या होता है, that is dy by du into du by आपका क्या हो जाएगा dx, dy by du आपका 1 by log x है into 1 by x, तो finally क्या लिख दोगे आप इसको 1 by x log x हो गया, ठीक है, दैट इज योर आंसर। बट क्या हम लोग इसी तरह से करेंगे, नहीं, इस तरह से कभी आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है विदाउट यूजिंग द डमी वेरिएबल्स, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट के लिए आपको सिर्फ सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करना होता है, आउटर फंक्शन आपका क्या है लॉग है, तो सबसे पहले आप डायरेक्ट हम लिखते हैं, ठीक है, तो दैट इज डायरेक्ट मेथड, ठीक है।
तो यहां पे हम डायरेक्ट लिखते हैं डीवाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, इस लॉग को डिफरेंशिएट करिए, जब भी लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई होता है, तो व्हाट एवर इनसाइड द लॉग आप लिख दीजिए 1 बाई क्या हो जाएगा जो भी उसके अंदर है, मतलब लॉग एक्स। और फिर क्या करेंगे आप, फिर इसको अगले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, वो भी लॉग है तो वो 1 बाई हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक्स है तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज योर आंसर 1 बाई एक्स लॉग एक्स। तो ये तरीका अपनाना चाहिए हमेशा, आपको ये अपना माइंड मेकअप करना है इस तरह से करने के लिए, ना कि इस तरह से करने के लिए, ये सिर्फ सीखने के लिए है, ठीक है।